केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन कुमार शाह लोहरदगा पहुंचे। जिला परिषदन भवन में डीसी बागमारे प्रसाद कृष्ण और डीडीसी समीरा एस ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने सेन्हा प्रखंड के सांसद आदर्श ग्राम बदला और किसको प्रखंड के आर्या ग्राम के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर जायजा लिया। आदर्श ग्राम में चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण भी किया गया। वहीं सांसद आदर्श ग्राम में अधूरे पड़े योजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया गया। उसके अनुसार ये आदर्श ग्राम बना या नहीं, है ना, ये उद्देश्य था। इसी का हमने यहाँ पे रिव्यू लिया कि आदर्श ग्राम से जनता क्या समझती है और हम लोग उसको किस तरह से सैचुरेट कर सकते हैं। अभी पूरा रिव्यू हमने एक एक चीज़ बताया कि कितने कंपोनेंट हैं जो आपको, रोड भी होना चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, पूरी की पूरी तरह से आपके पास हेल्थ का एक्सेस होना चाहिए, एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, फिर अच्छी बिहेवियरल चेंज होनी चाहिए, वेस्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए। मतलब कि आदर्श ग्राम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकार करे, आदर्श ग्राम का मतलब ये है कि नागरिक भी आदर्श की तरह बिहेवियर रखे। कोई वेस्ट जनरेट करे तो उसका कैसे निष्पादन हो, वो हो। तो संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि एक पूरी तरह से समग्र विकास है आदर्श ग्राम का की संकल्पना। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये उद्देश्य है कि ग्राम जो हो एक आदर्श इस तरह से होगा जब उसको हर सुविधा हो और लोगों का आचरण भी उस अनुरूप हो।